जय ब्रह्मदेव, मदद करो ताकि मैं ब्रह्मास्त्र प्राप्त कर सकूं। दोस्तों आपको बता दें, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा को कमाल का रिस्पांस मिल रहा है। भले ही लोगों को इस फिल्म की कहानी कुछ खास पसंद नहीं आई थी, लेकिन इसके वीएफएक्स और शाहरुख खान का वानराव अस्त्र अवतार फैंस लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। दोस्तों इसीलिए फैंस अब ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साथ ही ये भी पूछ रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव कब आएगी। इसीलिए आयन मुखर्जी ने अब ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 के बारे में जानकारी दी है। साथ ही बताया है कि देव का किरदार कैसा होगा। दोस्तों ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा मूवी के खत्म होते ही मेकर्स ने दूसरे पार्ट की छोटी सी झलक दिखाई थी। इसमें हिंट दिया गया था कि दूसरे पार्ट में मेन फोकस सिर्फ देव के किरदार पर होगा। इसी हिंट और दूसरे पार्ट की झलक ने फैंस के बीच ब्रह्मास्त्र 2 के लिए उत्सुकता बढ़ा दी है। ब्रह्मास्त्र के पहले पार्ट को बनने में 10 साल का वक्त लगा था। ऐसे में फैंस बेचैन है कि दूसरा पार्ट कब आएगा। दोस्तों आयन मुखर्जी ने बताया कि ब्रह्मास्त्र के पहले और दूसरे पार्ट की कहानी एकदम तैयार है, लेकिन अब तक पूरा ध्यान ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा पर था, क्योंकि इसमें ब्रह्मास्त्र की नींव रखी गई थी। इसमें कहानी को सेट करना था। आयन मुखर्जी ने कहा, हमारा लक्ष्य फिल्म को कम वक्त में बनाना है। हम नहीं चाहते कि इस फिल्म में पहले पार्ट जितना वक्त लगे। कोशिश है कि दूसरा पार्ट 3 साल में रिलीज हो जाए। अब हम फिल्म मेकिंग का प्रोसेस समझ गए हैं। अभी एक फिल्म है तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि हम ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव को 3 साल में रिलीज करने का लक्ष्य हासिल कर लेंगे।